हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम हुदा से है। नाउ मेंशन सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा कमाल की वीडियो होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है इट्स नॉट इंडिया आई न्यू, मतलब इंडिया कोरियन गर्ल विजिट इंडियन रैपिड मेट्रो गुरुग्राम। मतलब इंडिया की गुरुग्राम की मेट्रो को एक कोरियन लेडी जाकर मतलब कहती है, मतलब विजिट किया और वो शॉक्ड हो गई है। तो क्या हुआ सारा, कैसा उनको लगा, उन्होंने क्या बोला इंडिया के बारे में, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। बिना किसी देरी के ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। गाइस सब टाइटल जो होंगे तो गौर से पढ़ना, पहली बार मेट्रो पे जा रही हैं। रिक्शा में बैठ कर किसी भी मतलब गुड़गांव के मेट्रो पे हैरान हुई है। लिफ्ट तो जिंदा का है ना, लिफ्ट देख कर हैरान है। सही बात है, इंदु उनसे 10개월 만에 첫 지하철이라니. 10개월 만에 빨리 가야 됩니다. 자, 여기로 가면 될 것 같아요. 제가 릭샤 내린 곳은 섹터 53-54 여기입니다. 역 이름이 이렇게 섹터로 표시가 되어 있더라고요. 오! 에스컬레이터가 있어요. 여기서 보면 지금 엄청 높거든요. 다행이다. 에스컬레이터가 있다니. 와. 플랫폼 표시도 잘 돼 있고요. 아마 2번이 제가 가는 방향이었던 것 같은데 거기 가서 한 번 더 봐야겠어요. 리프트 타면 여기로 내리는 것 같아요. 여기 엄청 크고 엄청 깨끗해요. 바닥에 쓰레기 한 줄이. 와우, 일로 올라가는 것 같은데. 스켓을 어디서 사는 거지? 쿠폰을 터치했어요. 나이스 타이밍. 와. 아니 나이트로 될 거야. 아니 맞죠. 너무 깨끗한데요? 플랫폼 자체가 일단. 플랫폼 itself is comfortable. 맞죠? 플랫폼 is comfortable. 뭐 대단한 마이크로 바르세요. 브라운키도 고쳐야지. 너무 깨끗해요. 와, so clean, huh? सफाई तो है यार, मानना पड़ेगा। सफाई भाई ऐसे तो नहीं भाई, भारत की हर सिटी बहुत क्लीन होती है। सबसे ऐसा उतरो में देखो 35 रुपये अपनी 35 रुपये का ये टोकन मिला है। देखो इरोन के इतने हो मतलब जिस स्टेशन पे आएगी तो उनका वो लाइट साइड बस में यहाँ से तक्को मशरूम에서 여기서 내려야 되는 거 같은데 현재 위치를 알려줘. 와 काफी हैरान हो रही है, लगता है साउथ कोरिया में चावल की चीज भी है। सही बात है।
안내도 영어로 다 해주는 것 같아. 외국인이 타고도 전혀 문제가 없을 것 같아. 아, 포르투갈에 그 프로블럼 이 없이 이따. It's so clean, मतलब बार बार वो कह रही है बहुत ज्यादा क्लीन और नाइस है। कदमों के लिए भी जगह है अंदर प्रॉपर। हाँ, कहाँ पे मतलब खड़े होने के लिए जगह है। हाँ, कौन किधर किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग में खड़ा होना है। दिस इज रियल इंडिया। बिल्कुल यार, गुड़गांव ना कमल तो था तो टॉल बिल्डिंग्स। गुड़गांव की बहुत सारी टॉल सी बिल्डिंग ये तो है भाई। सारी भी तो ने समझा तो इंदु का नहीं है सोचते ये सोच भी नहीं था जब वो आ रहे थे ऐसे। नहीं, इंडिया बहुत डेवलप हो गया ऐसे यार। सीरियसली शॉक होते हैं जब फॉरेनर। मजा आता है भाई यार। सही बात है। हमें मजा आता है तो आप लोगों को कितना मजा आता है। जो अंडर एस्टिमेट भारत को करते थे आज वो तारीफे गा रहे हैं भाई।여기서 닦고 이렇게 델리 멘트로랑 여기서 환승이 되려나봐. 아, 이 군하테들 봐, 또 델리 멘트로 왔어. 서 있을 수 있는 곳이 여기 제 앞에 나왔잖아. 여기 다 서 있는 곳. 진짜 와우입니다. 와우. 문 닫힐 때도 띵동띵동하고 알려줘요. 진짜 너무 깨끗해. 바닥에
मैंने इमेजिन किया था कि इंडिया में कोई धूल मट्टी होगी। हाँ इंडिया भाई वो चीज नहीं रहा जो मीडिया बताती है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार ये वाली मेंटालिटी काफी लेके फॉरेनर भारत के आते हैं वाकई में के मतलब इंडिया जाऊंगी तो मतलब जाएंगे मतलब तो क्या उधर धूल मट्टी तो नहीं होगी ये तो नहीं होगी ये हैरान। बोला भी है कि मैं ये सोच कराई थी जब वो बार बार वो क्लीन क्लीन सो क्लीन बोल रही थी ना तो इससे उनको मतलब यही लगा कि यार कितना साफ सुथरा मेट्रो स्टेशन है, कोई स्मेल नहीं है, मेट्रो अंदर से भी बहुत प्यारी थी, सब कुछ था। वो बहुत हैरान हुई है कि मतलब वो जो मैंने सोचा था कि ऐसा इंडिया होगा वैसा बिल्कुल टोटली ऑपोजिट निकला। और इसमें कोई शक नहीं है काफी फॉरेनर ये वाली इमेज लेकर आते हैं क्योंकि उन बेचारों का भी कसूर नहीं है। मीडिया जो बीबीसी ये कमीने जो है सीएनएन वाले ये सारे हमेशा दिन रात इंडिया की मतलब गलत उनके बारे में न्यूज़ें चलाई रखते हैं तो फिर उसकी वजह से इन बेचारे लोगों की भी माइंड में एक गलत इमेज बन जाती है। लेकिन जब खुद आए और उन्होंने खुद एक्सप्लोर किया इंडिया को, इंडिया की मेट्रो सिस्टम कहती है कोरिया से भी बढ़कर मतलब कोरिया के मुकाबले का है, उससे भी बढ़कर है, इतना साफ सुथरा और क्लीन है, मतलब ये हैरान हो रही थी उस हैरान तो हो तो होना ही था भाई। उन्होंने कहा कि वो उसके जहन में क्या था और इंडिया को देखकर वो तो बिल्कुल हैरान हो गई और कहती है इंडियन लोग कितने मतलब अच्छे दिल के अच्छे हैं। मतलब वो एक लड़का उनका मतलब कैमरा पकड़ रहा था उसे पकड़ने के लिए मतलब रेडी था कि मैं पकड़ लेता हूं ना। तो यार ये चीज है जो पूरी दुनिया अब आ रही है और ये अपने अभी इन्होंने भी वीडियो बनाई है, कितने लोगों ने देखा होगा, उससे उनको भी पता लगा होगा कि इंडिया भाई कहां पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल यार मैं हमें सीरियसली अच्छा लग रहा था, आप लोगों को इस वीडियो को देखकर कितना अच्छा होगा। बहुत अच्छा लगता है जब आपकी कंट्री के बारे में कोई गलत सोचता है और वो बंदा मतलब फिर उसको ऑपोजिट कंट्री को पाता है, मतलब पूरा सोचता है तो अच्छा पाता है, बहुत अच्छा लगता है कि भारत किस लेवल पे आ गया कि आप जो आता है तारीफ ही करते हैं। पहले हालांकि को देखकर हैरान हो जो वो कहती है इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, मेट्रो तक को उन्होंने बोल दिया कि भाई ये कोरिया के लेवल की मेट्रो जो है ना इस तरह की है। गाइस आपका क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें, आप क्या सोचते हैं, इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार भाई।